तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तर आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापिस। और आज की वीडियो में हमारे पास भाई ये डब्बा है काफी ज्यादा कमाल का। गैस करो भाई इसके अंदर क्या होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, इसके अंदर ना एक काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है भाई। और ये स्मार्टफोन का डब्बा है, कहीं से लग रहा है स्मार्टफोन का डब्बा, पेंटागन शेप में है भाई। ये पेंटागन ही है ना, 1 2 3 4 5 यस, पेंटागन शेप के अंदर है भाई ये। इस बॉक्स के अंदर जो फोन है ना उसका नाम है ZTE Nubia Red Magic 7S Pro। इतना बड़ा नाम है भाई इसका। और भाई इसकी अनबॉक्सिंग देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन जो ये वाला बॉक्स है ना मेरे पास, ये स्पेशल एडिशन वाला बॉक्स है, ट्रांसफॉर्मर वाला है भाई। इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो आपको ट्रांसफॉर्मर बना हुआ दिख रहा होगा। वीडियो भाई आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। और गेमिंग फोन है तो गेमर क्या, तो अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो क्या करा भाई। जरूर से लाइक मारना भाई अगर पसंद आता है तो, चैनल को भी सब्सक्राइब मार लेना ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो। अभी बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई। तो भाई ये हमारे पास डब्बा है, इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मोर देन मीट्स द आईज, मतलब जितना आंखों से दिखता है ना उससे भी ज्यादा भाई। इस तरह भाई यहाँ पे ऑटो बॉट लिखा हुआ, मतलब जो बॉट प्लेयर है उनको भी प्रो बना देगा वाला स्मार्टफोन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स लिखा हुआ है। अब देखो भाई इसको जो खोलने का तरीका है ना वो काफी ज्यादा अलग है। सबसे पहले मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस देने वाला हूं। हम इसको खोलेंगे अलग से ऊपर से। ये है फोन, इसके ऊपर भी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग दी गई है रेड मैजिक ट्रांसफॉर्मर की। अब देखो यहां पे इसमें चेपी है, इसको खोलते हैं। भाई साहब इतना सारा सामान है इस वाले डब्बे के अंदर, मतलब आईफोन की अनबॉक्सिंग जो हम करते हैं ना वो तो यूं खोलते ही खत्म हो जाता है, इसके अंदर बॉक्स निकलता है सिर्फ। यहाँ पे भाई फोन बॉक्स चार्जर और ये अलग से बैज वैज भी दिया गया, साथ में पंखा का सब है भाई, काफी तगड़ा है। और पूरे जो कलरिंग वलरिंग है ना वो एकदम येलो येलो करके दिया हुआ है, फुल मस्त वाइब आ रही है भाई एकदम। अब सबसे पहले हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है अपना फोन स्ट्रगल। सबसे ऊपर आपको फोन मिल जाएगा और क्या तगड़ा लुक है भाई इसका, देख रहे हो येलो कलर के अंदर ट्रांसफॉर्मर एडिशन भाई, और बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई ये वाला स्मार्टफोन। इसको अभी हम देखते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं पहले और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं मेन क्या क्या है। इसका सिम इजेक्टर टूल भी देखो भाई, ये वाला ट्रांसफॉर्मर वाला देखने को मिलता है इसके अंदर भाई। ये थोड़ी पुस्तकें उस्तकें इसकी, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना भाई अगर आपको चाइनीज आती तो, शिंग शोंग शिंग। और ये है भाई इसका कवर, देखो हार्ड वाला केस है ये, मतलब बढ़िया क्वालिटी का केस आपको देखने मिल रहा है। इसके ऊपर भी ट्रांसफॉर्मर बना हुआ भाई, फुल ट्रांसफॉर्मर वाइब है हर जगह। और यहाँ पे ये कुछ ट्रांसफॉर्मर के आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप बाइक स्कूटी कहीं पे भी चिपका सकते हो। और देखो भाई बॉक्स के अंदर सबसे पहले चार्जर देखने को मिलता है, चार्जर पे भी भाई फुल ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है, येलो कलर का चार्जर है। देखो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर छपा हुआ है और इस साइड भी ट्रांसफॉर्मर ही है, बम्बल भी। एक तो भाई ये वाली केबल आपको देखने को मिलती है जो कि बढ़िया क्वालिटी वाली है, और साथ में केबल भी ट्रांसफॉर्मर वाली है भाई, ये भी देख लो। साथ में एक केबल और है टाइप सी टू टाइप सी वाली, तो ये भी काफी बढ़िया बात है भाई। और भाई ये जो है ना ये एक बैज है, ऐसे करके भाई आप बैज लगा सकते हो, दिख ही नहीं रहा है तो ये देखो ये रहा। ऐसे करके आप बैज वैज भी लगा सकते हो टी शर्ट के अंदर। और बाकी भाई साथ में आपको एक ये फैन भी देखने को मिलता है इसके अंदर जो कि काफी तगड़ी बात है भाई, देख सकते हो क्या फैन लग रहा है भाई। इसको अभी हम टेस्ट करेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है गेम के अंदर, ये क्या कूलिंग सही में कर रहा है या फिर पागल बना रहे हैं। स्ट्रेचेबल डिजाइन है भाई, बढ़िया। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं चलो। तो भाई यही है बॉक्स के अंदर, काफी तगड़ा बॉक्स है भाई, देख रहे हो ऐसे सोने की ईंटें लग रही है दो। इस डब्बे को रख देते हैं भाई यहाँ पे। इसके ऊपर भाई वो वाली पट्टियां भी दी गई है, जैसे कहीं पर मर्डर वर्डर हो जाता है तो कॉशन वाली वो दी है ना, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी, ऊपर की तरफ भी। साथ में यहाँ पे इसके एक फैन भी है, ये वाला फैन अभी मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। कवर के साथ भाई देखो कुछ ऐसा लुक देता है ये, हाथ में ब्लैक कलर का हो जाता है पूरा। पीछे सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है भाई, जीएसएम अरिना की तो जॉब खा जाएगा ये। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर है इसके अंदर, 500 mAh की बैटरी यहाँ पे भी लिखी हुई है, ICE 10.0 कूलिंग सिस्टम वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे अंडर डिस्प्ले कैमरा भाई फ्रंट में, इसकी यहाँ पे अंडर डिस्प्ले कैमरा आपको देखने को मिलता है, दिख ही नहीं रहा है, मतलब अगर आप साइड वगैरह से देखोगे ना तो आपको का फुल्का नोटिस हो जाए, अभी भी नहीं हो रहा वैसे तो, पर है यहाँ पे कैमरा एक। और बाकी भाई यहाँ पे 20,000 RPM का एक फैन है जो कि ये वाला है, और यहाँ पे कुछ मशीनों के पुर्जे उर्जे बने हुए हैं। ऊपर की तरफ दो गेमिंग ट्रिगर्स भी हैं जिनको मैं भी यूज करके दिखा दूंगा आपको गेम के अंदर। बाकी फोन के अंदर ना आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है साइडों में, और यहाँ पे एक गेमिंग मोड के लिए बटन दिया गया अलग से, इसको आप ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आपका फोन गेमिंग मोड के अंदर चले जाएगा। बॉटम की बात करें तो एक स्पीकर यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसके लिए वेंट दिया गया है एयर पास करने के लिए, और साथ में वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह और पावर बटन है। ऊपर की तरफ हेडफोन जैक भी है भाई जो गेमर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर की तरफ भी एक स्पीकर है, माइक वगैरह है। हमारा जो मेन काम होता है ना भाई गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करने का, तो हम फटाफट से वो कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने BGM वगैरह को इंस्टॉल कर लिया है, तो फटाफट से हम BGM को चालू कर लेते हैं। पंखा यहां पे ऑटोमेटिकली चल गया, और भाई पंखा देखो RGB लाइटिंग है फुल, और भाई इसकी आवाज भी सुन सकते हो देखो।
काफी ज्यादा आवाज कर रहा है। इसको दो मोड पे हम चला सकते हैं, एक तो इंटेलिजेंट मोड है और एक हाई वाला मोड है जिसमें और तेज हो जाता है भाई पंखा ये। सबसे पहले इसकी ग्राफिक सेटिंग्स की बात कर लेते हैं भाई, तो इसके अंदर ना 90fps का ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ी सी बैड न्यूज है भाई, लेकिन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम है तो सही है, बैलेंस पे भी एक्सट्रीम रहता है, एचडी एक्सट्रीम एचडी आर एक्सट्रीम यहाँ तक भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया सेटिंग है, और अल्ट्रा एचडी प्लस अल्ट्रा भी है। हमने सबसे पहला मैच इसके अंदर स्टार्ट करा एक टीडीएम का, और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग्स रख रहे हैं। एफपीएस मीटर यहाँ पे आपको दिखी जाएगा ऊपर की तरफ, तो एफपीएस भी शो होते रहेंगे। इसके अंदर भाई गेमिंग मोड है जो आप लेफ्ट या राइट से कहीं से भी स्वाइप करोगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पे ट्रिगर्स वगैरह भी है, इसको आप एनेबल करोगे तो अगर मैं लेफ्ट में ऊपर की तरफ करूंगा तो फायर हो रहा है, राइट वाले से स्कोप ओपन हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा सही है, बट मैं यूज नहीं करता हूं भाई इनको क्योंकि इन पे थोड़ा सा हाथ वाथ सेट करने में टाइम लगता है, तो हम इनको बंद कर रहे हैं। और भी यहाँ पे काफी सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है, यहीं से आप सीधा रिफ्रेश रेट वगैरह को बदल सकते हो, यहीं से फैन वगैरह ऑन कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है जैसे कि आप यहाँ पे एफपीएस मीटर वगैरह लगा सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर बात करें इसके प्रॉपर गेमिंग मोड की, तो आप गेमिंग मोड में जाओगे ना, देखो गेम यहाँ पे मिनिमाइज होकर चल गया है भाई, और अगर आप यहाँ पे जाओगे गेमिंग मोड में, तो गेमिंग मोड में देखो इसकी सेटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भाई इतने सारे फीचर्स है ना, टच सैम्पलिंग रेट को आप 480 हर्ट्ज से लेकर 960 हर्ट्ज तक को कर सकते हो भाई, और अभी मैंने टच सैम्पलिंग रेट को 960 हर्ट्ज पे ही कर दिया, तो काफी सही है। स्मूथनेस वगैरह आप देख सकते हो, तो इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ, और बाकी एडिटेड डेटा एक्शन वगैरह, और यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड, इको, राइज वगैरह, और ये सारी चीजें आप देख सकते हो, जीपी सेटिंग्स, शो और वॉइस वगैरह, काफी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, काफी तगड़ी तगड़ी। चलो फटाफट से गेम में चल लेते हैं हम। जायरोस्कोप सेंसर की बात करें तो देखो क्या मस्त एक्टिव जायरोस्कोप सेंसर आपको देखने को मिलता है, क्या तगड़ा स्मूथ है भाई फोन तो। उंगली लगाने से पहले फोन को पता चल जाता है मैं फायर करने वाला हूं। वन एचपी भी ले गया, करना क्या था, और स्लाइड हो रहा है। मैं क्या लड़ाई कर रहे हो भाई, रिंगा रिंगा रोजीज कर रहे हो। ना मात्र फुटस्टेप आ रहे हैं बिल्कुल अंडरसंड। वो तो गाइस मैंने एक परंपरा जारी रखनी थी इसलिए मैं हार गया, नहीं तो मैं मारता बहुत बुरी तरह से। सब्सक्राइबर था, मैंने कहा सब्सक्राइबर हो जीत जान देते हैं एक मैच, कोई बात नहीं भाई, फिर से हम पहला टीम मैच जीत गए हैं, हार गए हैं मतलब। बाकी मैच तो कंप्लीट हुआ है, और फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला भाई। जो फोन की टच सैम्पलिंग रेट है ना, इतनी ज्यादा तगड़ा वर्क कर रहा है ना भाई, मैं ऐसे फोन पे हाथ लगाने लगता हूँ उससे पहले फोन को पता चल जाता है कि भाई मैं फायरिंग करने वाला हूँ। क्या कमाल का परफॉर्मेंस है भाई, स्मूथनेस काफी ज्यादा है भाई, रुको यार टूडिंग टूडिंग कर रहे हो यार तुम। तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर लिया बूट कैम का, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स ही रखी हुई है, देखते हैं भाई बूट कैम में क्या सर्वाइव कर पाएगा या फिर फ्रेम ड्रॉप्स कर देगा। अभी तक भाई टीडीएम के मैच में ये वाला आरजीबी फैन ऑन नहीं करा हुआ था, तो अब हम फटाफट से इस वाले को भी ऑन करके देखते हैं, देखते हैं कितना ये ठंडा करता है, क्या करता है। अब देखो ये वाला पंखा यहाँ पे चल चुका है आरजीबी वाला, अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा भाई। चलो जंप करते हैं देखें, ओ भाई ड्रॉप, अरे 21 FPS आ गया भाई, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया ये तो। तो भगते भगते तीन गोली में नॉक होके चले गया, चल छोटे, अरे छोटे पीछे से कहाँ से आ गए तुम, वो ये वापस आ गया, मैं भी आऊँगा। चलो जंप करते हैं देखेंगे हम, लेट्स गो। फिर से ड्रॉप हुआ भाई, 16 FPS आया भाई, इतना डाउन मतलब। बूट कैंप पे तो लग जाते हैं अच्छे अच्छे फोनों के, कहां चल रही है गन, किल नहीं कंफर्म कर रहे मेरा बेटे। भाई यार पटका दिया उसने चूरन, और चार नंबर कहां है, इतनी दूर है क्या वो,
दो बार हमने बूट कैंप का मैच ट्राई कराया और एक बार 21 FPS तक ड्रॉप हुआ और एक बार 16 FPS तक आ गया भाई, 60 से इतना ज्यादा ड्रॉप हमको देखने को मिल गया। पंखे की जो हवा है ना भाई वो डबल हो चुकी है, देखो फुल पावर घूम रहा है भाई पंखा, फुल पावर की, ठंडा कर दूं अब तो इसे। टेम्परेचर फटाफट से हम देख लेते हैं, हीट तो नहीं है देखो यार, 35 डिग्री ही चल रहा है। इसकी जो ये वाली एसेसरी है ना इसको और ट्राई कर लेते हैं हम फटाफट से, देख रहे हो कितना हैवी हो गया इसके बाद ये। और पंखा लगने के बाद कुछ ऐसा लगता है, फोन में भाई कलर सेम सेम दे रखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पंखा यहाँ घूमेगा, एक पंखा यहाँ घूमेगा, इस पंखे को भी घुमा के देखते हैं फटाफट। अरे वाह, इसमें RGB लाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं भाई, लाइट मतलब बहुत कम कम सी दिख रही है। और एक बार मैं ट्राई करना चाहूंगा कि इसमें अगर मैं कुछ घुस दूं तो इसका क्या होगा, देखते हैं। कोई घूम ही नहीं रहा वापस, घूम गया भाई, घूम के रुक ही गया था पंखा तो। मतलब यहाँ से ना फुल ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है और नीचे की तरफ से मस्त हीट हो रहा है, एक बार निकाल के दिखाता हूँ यहाँ भाई। ये तो पूरा ऑटोमेटिकली ठंडा भी होने लग गया है, और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ ना तो ये रुक जाता है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से स्ट्रेच करूंगा तो ये पंखा चालू हो जाता है देखो। बाकी पंखा उनका तो हमने लगा लिया है मस्त, और इसके बाद हम फिर से एक सानोक का मैच ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं पहले के मुकाबले में पंखा लगाने के बाद कितना इंप्रूवमेंट आया सानोक में। और भाई इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी हम चालू रख रहे हैं, तुझे फॉलो करूंगा मैं, तुझे ही तो फॉलो करूंगा मैं। चलो जम करते हैं अब, ना भाई ना, 17 पे ही आ गया फिर से। कूलर लगाओ चाहे पंखा लगाओ चाहे AC लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, FPS ड्रॉप हो ही रहे हैं सानोक में। अरे भैया सानंग में तो कौन कहां से पेल जा रहा है कुछ पता नहीं आ रहा है। लो भाई लो, देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो चल रहा है वो 33 डिग्री चल रहा है, और ये जो इसका टेम्परेचर है ना ये 24 तक पहुंच रहा है, तो काफी ज्यादा सही ठंडा तो कर दिया इसने। बाकी हम तो अपना नेक्स्ट मैच कर दिया है स्टार्ट इरेंगल का, और ये पंखा वंखा हटा लिया भाई, सादा खेलेंगे सिंपली, बस एक ये वाला पंखा चल रहा है इसका RGB वाला, देखते हैं कैसा चलेगा। साथ में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू रखेंगे। एक काम करते हैं इसका ये वाला जो मोड है ना इसको हाई पे कर देते हैं, ये हमने कर दिया फुल मैक्स राइज, चावल कर दिया यहाँ पर राइस। अबे स्टॉप आ गया चीजें देखते देखते, देखो यहाँ पे जंप करते में तो मस्त 60 FPS रहा है। क्या चल रहा है भाई यहाँ, भाई साहब स्क्वाड वाइप डेड। तो भाई ये वाला मैच भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इरेंगल का फ्रेम ड्रॉप इसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिले थे, जंप वगैरह भी इजीली हो गया था, और अभी हमने फैन वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं करा हुआ था, तो बीच फाइट में थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप कर रहा था, माइनस 54 FPS तक ऐसे आ रहा था। टेम्परेचर एक बार चेक करें, एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से लग रहा है पकड़ने में गरम, लेकिन है नहीं भाई 38 डिग्री चल रहा है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर अब देखो 27 डिग्री के करीब चल रहा है, तो उस हिसाब से सही है भाई, ज्यादा हीट नहीं हुआ है फोन तो। 55 मिनट अभी हमको कंप्लीट हो गए, तो यहीं पे हम स्टॉपवॉच को स्टॉप कर रहे हैं और फेंक लेते हैं कोने में।
होम स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। बैटरी ड्रॉप की बात करते हो, देखो 75% बैटरी अभी भी इसके अंदर बची हुई है। तो भाई इसके अंदर ना 25% का ड्रॉप हमको देखने को मिला 55 मिनट में। मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि भाई इसी वाली वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग भी दिखानी है, गेम प्ले वगैरह भी दिखाना, तो ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए उस वजह से यहाँ पे हमने स्टॉप कर लिया है। बाकी भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन कहता है भाई नूविया रेड मैजिक फोन के अंदर फ्रेम ड्रॉप नहीं होते। अपने टेस्ट के अंदर भाई सोनोक में ना 16-16, 12-12 FPS तक भी मैंने इसको लेके गया हूँ भाई। अब देखो कुल मिला के बात यह है कि फोन कोई सा भी हो लेकिन जब किसी हैवी गेमर के हाथ में पड़ता है ना तो भाई अच्छे फोनों के अंदर फ्रेम ड्रॉप हो जाते हैं। अब भाई मेरा तो गेम प्ले काफी ज्यादा नॉर्मल रहता है, 3 फिंगर में खेलता हूँ। जो बंदा 4-4, 5-5 फिंगर से खेलता है ऐसे ऐसे करके, तो सोचो भाई इस फोन का क्या कर देगा। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि फ्रेम ड्रॉप्स कर देता है सोनोक वगैरह के मैच में। ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला फोन ले लोगे तो आपको फ्रेम ड्रॉप से छुटकारा मिल जाएगा। तो भाई ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो तो काफी ज्यादा तगड़ा हो जाता है इस वाले फोनों के साथ। और लुक्स वगैरह आपने देखे कितने ज्यादा कमाल का भाई ये वाला स्मार्टफोन, मेरे को पहली बार में भाई काफी ज्यादा पसंद आया था ये। तो उन सब चीजों के लिए आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप बाहर से इम्पोर्ट करना चाहो तो भाई यहाँ पे मंगाते मंगाते आपको तकरीबन 1 लाख रुपए तक का ये पड़ जाएगा। और भाई आईफोन के मुकाबले में ना मेरे को काफी ज्यादा सही लगा ये, क्योंकि एक तो अनबॉक्सिंग में इतना सारा एक्सपीरियंस हमको मिल जाता है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर सामान ही सामान है भाई। बट ये बात है कि आईफोन वगैरह से जो कैमराज वगैरह ना वो कंपेरेबल नहीं किसी हद तक, जो इसके कैमरा है काफी ज्यादा बेकार है भाई। बाकी यार उम्मीद करता आपको भी समझ में आ गया होगा कि ZTE Nubia Red Magic 7S Pro की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, और लेना लेने ला तो बात की बात है क्योंकि भाई यहाँ पे ये रिलीज ही नहीं हुआ है अभी। बाकी यार अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो जरूर से इस वाले वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इस वाले फोन का कंपैरिजन वगैरह 14 Pro Max का मैं लेके आने वाला हूँ तो जरूर सब्सक्राइब मार लेना भाई, 3 लाख सब्सक्राइबर करवाने हमको चैनल के ऊपर फटाफट से। बस भाई लोग आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय।